हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रशांत आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी होम्स में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3BHK, बट 3BHK स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3BHK कार पार्किंग के साथ, और ये लोकेशन की अगर हम बात करें तो रहने वाला है मेन रोड से बहुत ही पास में, बहुत नज़दीक। दोस्तों इस फ्लैट की खासियत ये है कि पीछे मेन एंट्री है, जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो फ्लैट दोनों तरफ डिवाइड पड़ा हुआ है, हमारी मेन एंट्री आ जाती है ड्राइंग रूम के अंदर। जैसे ही हम ड्राइंग रूम में एंटर करते हैं दोस्तों हमें मिल जाता है बहुत बड़ा स्पेस। दोस्तों इसका जो ड्राइंग रूम रहने वाला है तकरीबन 18 फीट का वो रहने वाला है, 12x18 का साइज। दोस्तों पीछे ये मिल जाता है वॉलपेपर आपको देखने को, ऊपर फॉल सीलिंग का काम, और अगर हम अपने लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में आ जाता है हमारा किचन। किचन और ड्राइंग रूम के पार्टीशन के लिए एक बहुत सुंदर सा डेकोरेटिव एक वॉल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी 2 साइड ओपन है इसलिए इसमें वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है। किचन का साइज अगर आप बात करें तो किचन भी आपको मिल जाती है तकरीबन 12 फीट चौड़ी, 12x12 की ये किचन आपको मिलने वाली है। दोस्तों किचन में बहुत सुंदर व्हाइट एंड रेड कलर के कंट्रास्ट पर काम किया गया है, आपको वेंटिलेशन भी आप देख सकते हैं, सनलाइट आपको प्रॉपर मिलती है इस किचन के अंदर। चिमनी दोस्तों आपको लगा के दी जाएगी, और ये एल कॉर्नर किचन आपकी रहने वाली है, काफ़ी स्पेशियस है। इसी किचन के अंदर आपका फ्रिज भी और अदर एमिनिटीज आपके एडजस्ट हो सकती है दोस्तों किचन के अंदर ही। अब हम आ जाते हैं अपने बेडरूम में। जैसे ही हम बेडरूम के अंदर एंटर करते हैं तो सेम बेडरूम का साइज भी आप देख सकते हैं, तकरीबन 12x14 का ये साइज इस बेडरूम का रहने वाला। इस बेडरूम में भी आपको मिल जाता है कैबिनेट, ये आपको वुडन कैबिनेट इसमें बना के दिया जाएगा दोस्तों, और इसमें ये वुडन कैबिनेट आपको बना के दिया जाता है दोस्तों, और इसमें आपको ऊपर सीलिंग बल्ब मिल जाता है, साथ ही में इसमें बड़ी बालकनी एक आपको अटैच मिल जाती है। आप देख सकते हैं इसकी जो बालकनी है उसका साइज भी काफ़ी खुला रहने वाला है, और बड़ी बड़ी खिड़कियाँ आपको वेंटिलेशन के लिए मिल जाती है दोस्तों जी। दोस्तों ड्राइंग रूम के साथ आपको मिल जाता है ये कॉमन वॉशरूम। दोस्तों कॉमन वॉशरूम का साइज आप देख सकते हैं, कॉमन वॉशरूम का काफ़ी बड़ा साइज भी रहने वाला है, ये तकरीबन 6x10 का ये कॉमन बाथरूम का साइज भी रहने वाला है, आप इसको देख सकते हैं। टॉप टू टॉप आपको इसमें टाइल्स का काम मिलता है, और इसमें वेंटिलेशन के लिए एक शाफ्ट इसमें दी गई है दोस्तों। अब इसी के साथ हम आ जाते हैं अपने सेकंड बेडरूम के अंदर। हम जैसे ही सेकंड बेडरूम में एंटर करते ही हमें फिर से सनलाइट बालकनी हमें इसमें भी मिल जाती है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी 2 साइड है तो आप देख सकते हैं इसमें भी आपको बड़ी सी विंडो और पीछे बालकनी इसमें साथ ही मिलती है दोस्तों। इसमें आगे भी गली रहने वाली है और पीछे भी गली रहती है। इसमें आपको मिल जाता है बड़ा वुडन कैबिनेट, जैसा आपने उस रूम में देखा एक कैबिनेट आपको वहां मिल जाता है, एक वुडन कैबिनेट आपको 3 डोर के साथ इसमें मिल जाता है। दोस्तों अगर हम पूरे घर में फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग में बड़ा सुंदर पैटर्न इसमें टाइल्स का बनाया गया है, ड्यूअल कंट्रास्ट के साथ आप देख सकते हैं, आपको हर रूम के अंदर अलग अलग डिजाइन इसमें देखने को मिल जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने मास्टर बेडरूम में। जब हम मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं हमें एंटर करने के साथ ही एक मिल जाता है अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम का साइज भी काफी खुला रहने वाला है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं इसमें। और अगर हम इसके मास्टर बेडरूम के साइज की बात करें तो ऑलमोस्ट 14x14 का ये मास्टर बेडरूम का साइज रहने वाला है। इसमें भी आपको वेंटिलेशन के लिए एक बहुत बड़ी पीछे विंडो देखने को मिल जाती है, और एक वुडन कैबिनेट आपको 3 डोर के साथ इसमें भी आपको मिलता है दोस्तों। ये प्रॉपर्टी आपको बहुत रीजनेबल और बहुत अच्छे प्राइस में दोस्तों मिलने वाली है। इस बिल्डिंग के अंदर एक ही यूनिट अवेलेबल है जो कि आपको इसमें मिल सकती है जी। दोस्तों इस प्रॉपर्टी की लोकेशन जो रहने वाली है मेट्रो के बहुत ही पास में है, मेन रोड से लगभग 3री गली के अंदर ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है दोस्तों। इस प्रॉपर्टी में आपको पार्किंग की फैसिलिटी साथ में मिलती है, और इस प्रॉपर्टी की एक खासियत और है, ये सिंगल यूनिट बिल्डिंग है, इसमें आपको एक ही फ्लोर अवेलेबल मिलने वाला है जो कि आपको ये फ्लोर दिखाया गया है दोस्तों। अगर हम लोन की बात करें तो मैक्सिमम लोन आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर मिल सकता है दोस्तों। इस प्रॉपर्टी की अदर डिटेल्स जानने के लिए, इस प्रॉपर्टी को विजिट करने के लिए दोस्तों स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करना बिल्कुल ना भूलें। आप
अपने YouTube चैनल आरपी होम्स को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मैं प्रशांत आपका फिर से स्वागत करता हूँ आरपी होम्स में। नमस्कार दोस्तों।